बहुत सही चीज है, जादू की छड़ी। अगर तुम अपने स्मार्टफोन से कंटेंट क्रिएट करते हो तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए एक चीपेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। ऑब्वियसली वीडियो क्रिएशन के रिगार्डिंग। जी हाँ, मैंने परचेस किया है गोडॉक्स के तरफ से एक मोबाइल किट। ये है गोडॉक्स का VK3UC और V मतलब की व्लॉग। एक एक करके सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या मामला है इसमें, तो पूरा वीडियो देखना क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है तुम्हारे लिए। सो जब मेरे को ये वाला बॉक्स मिला ना, तब मैंने रियलाइज किया कि ये जो बॉक्स है ना वो बहुत ज्यादा लाइट है, जिसे यूज करना काफी ज्यादा आसानी हो जाएगा तुम्हें। अभी देखते हैं कि क्या क्या मिलता है तुम्हें इस बक्से में। ओके, ये है एक मिनी ट्राइपॉड, यहाँ पे गोडॉक्स का ब्रांडिंग में दिख रहा होगा, और इसको ना लंबा भी किया जा सकता है अपने हिसाब से, ये तुम देख सकते हो। बहुत सही चीज है, जादू की छड़ी। और नीचे ना तुम्हें कुछ ऐसा ट्राइपॉड जैसा कुछ दिख जाता है, मिल जाता है, जिसको तुम ऐसे बाद में रख सकते हो टेबल में। और ऊपर ये रहा एक बॉल हेड, एंड ये ना एल्युमिनियम का है, एकदम भरोसेमंद, टूटेगा नहीं। एंड एक कोल्ड शू माउंट जिसमें तुम एक्सेसरीज को अटैच कर पाओगे। अभी मोबाइल कहाँ रखे जल्दी से बताओ, मैं रुको दिखाता हूँ। ये रहा एक मोबाइल होल्डर, जैसे कि तुम देख सकते हो इसके नीचे तुम्हें ये माउंट दिख जाएगा, जिसको कि तुम इस ट्राइपॉड के ऊपर या फिर स्टैंड भी कह सकते हो, इसके ऊपर तुम कुछ इस तरीके से ऐसे घुमा के लगा सकते हो। ये नीचे से भी ऊपर से भी ऐसे एक्सपेंड हो जाता है। और पीछे तुम ध्यान से देखना कि ऐसे इस पार्ट को ना ऐसे थोड़ा सा लूज करके अपने फोन को ऐसे सीधा भी इसमें रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो। इधर मैं बताना भूल गया कि इस मोबाइल होल्डर के दो साइड पर ना तुम्हें कोल्ड शो माउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। वेल, कैमरे का तो बंदोबस्त हो गया, अब तुम कभी भी एक्शन बोल सकते हो। बट लाइट्स की तरह तो ये रहा एक RGB LED लाइट, ये भी गोडॉक्स की तरफ से है, तुम देख सकते हो। अब RGB क्यों? ऑब्वियसली ताकि तुम कलर्स को सिलेक्ट कर सको अपने हिसाब से। एंड ऊपर ना एक ऐसा डिफ्यूजर भी लगा हुआ, इसे क्या होगा, ऑब्वियसली तुम्हारे स्किन में बहुत ही सॉफ्टली ये जो लाइट है वो गिरेगा। अभी देखते हैं कि कितने सारे कलर्स हैं, ठीक है ना। पीछे तुम ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर सारे कंट्रोलर्स अवेलेबल है। ये रहा टर्न ऑन एंड ऑफ करने का बटन इस लाइट को, और यहाँ पर है Type-C पोर्ट जिससे कि तुम इस लाइट को चार्ज कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ बटन्स है जिससे कि तुम इस लाइट को मतलब अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। देखते हैं कि कैसे करते हैं। सो जैसे ही मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ ना, तो फिर तुम देख सकते हो कि इंस्टेंटली पीछे तो लाइट टर्न ऑन हो ही चुका है, और यहाँ पे ना एक डिस्प्ले है जिससे कि तुम सभी चीजों को मॉनिटर कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे जो ये एरो बटन्स है ना, ऊपर वाला बटन लाइट का जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, और नीचे वाला बटन इसको घटाने के लिए। ऑब्वियसली लाइट घट जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगा, और तुम चाहो तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है उसको घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसके लिए तुम्हें बस इस एम वाले बटन पे एक बार टैप करना है, देन नीचे एरो बटन पे एक बार टैप करना है, होल्ड करना है, देन तुम देख सकते हो कि इंस्टेंटली यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। उसके बाद तुम इसको पहले की तरह फिर से कूल कर सकते हो, और यहाँ पे अगर मैं एम पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो फिर ये देखो RGB में अभी कन्वर्ट हो चुका है, अभी लाल है, बहुत ज्यादा लाल। यहाँ पे तुम सैचुरेशन, और यहाँ पे तुम देख सकते हो ये कलर्स चेंज हो रहे हैं, ग्रीन, येलो, अरे बाप रे, ब्लू स्काई को चेंज हो रहा है। ओके ओके, यहाँ पे तुम देख सकते हो अच्छी तरीके से, देखो अच्छे से देखो। और यहाँ पे जब भी तुम FX वाला जो बटन है उस पर टैप करोगे ना, तो फिर अलग अलग मोड्स पे तुम स्विच कर पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे मोड्स है, तुम देख सकते हो, ये है थोड़ा सा DJ वाला मोड, उसके बाद ये है थंडर, उसके बाद ये है नॉर्मल सा लाइट, और ये है TV। मान लो कि अगर आपको कोई भी ऐसा सीन क्रिएट करना है जिसमें आप शोकेस करना चाहते हो कि कोई आदमी या फिर औरत टीवी देख रहा है, उसके मुंह पे जो रिफ्लेक्शन आना चाहिए टीवी का, उसको तुम क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद ये है मोमबत्ती का इफेक्ट तुम जनरेट कर पाओगे। उसके बाद ये है बॉनफायर, और ये है पुलिस वाला। उसके बाद ये है एम्बुलेंस, और ये है SOS, और ये ऑटोमेटिकली वो रैंडमली कलर चेंज होता रहेगा। सेम ही है पटाखा का है। और अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो फिर तुम्हें इसके अंदर मिलता है 1800 mAh का एक बैटरी, जो 8 to 10 hours तो इजीली बैकअप दे। And obviously, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि तुम Type-C से इसको चार्ज कर पाओगे, so, थोड़ा बहुत फास्ट चार्जिंग तुम्हें इधर मिल जाता है। अब इसको भी अटैच करता है, so, अटैच हो गया, अच्छा लग रहा है देखने में। अब देखते हैं कि बॉक्स में और क्या है। हाँ, एक बहुत ही अच्छा खासा गोडॉक्स के तरफ से एक माइक, जो कि एक शॉटगन माइक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम इसको नॉर्मली खरीदने जाओगे तो फिर तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ेगा, कुछ केसेस में तो पूरे किट से भी ज्यादा प्राइसिंग बैठ जाता है। तो इसको भी अटैच कर लेते हैं। हाँ, ये Type-C वाला है, इसका दो वेरियंट्स भी है, एक तो लाइटनिंग यानी iPhone के लिए, और दूसरा है Type-C, जो कि आजकल के हर एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स पे होते ही है। इसको लगा लेते हैं, ये Type-C है। ओके डन, देख रहे हो ना, सही लग रहा है दिखने में। और अगर तुम्हें इस माइक का एक क्वालिटी कंपैरिजन देखना है, तो फिर मैं अभी इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ
सुन लो, एक होगा विदाउट माइक और दूसरा होगा विद माइक, ठीक है? सो ये वाला वीडियो अभी इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है बट विदाउट अटैचिंग द माइक, जैसे कि आप सुन सकते हो। और ये वाला वीडियो सेम ही कैमरे से शूट हो रहा है, मतलब स्मार्टफोन के कैमरे से, बट माइक लगा हुआ है। डिफरेंस तुम्हें सुनाई दे रहा होगा, मतलब की जो ड्रास्टिक चेंज है, कैसा है वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और माइक के रिगार्डिंग ना और भी कई सारे एक्सेसरीज मिल जाते हैं इस बॉक्स के अंदर, एक बालदार विंडशील्ड, और ये बाहर के हवा के नॉइस को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा तुम्हें। यहाँ पे तुम एक सैंपल देख लो, तेज हवा के साथ तुम्हें विदाउट विंड मफ कुछ ऐसा आवाज सुनने को मिलेगा, और विंड मफ के साथ तुम्हें कुछ ऐसा सुंदर सा आवाज सुनने को मिलेगा। और यस, एक टाइप सी चार्जिंग केबल इस लाइट को चार्ज करने के लिए, किधर है? हाँ इधर है, इधर है। और एक बहुत ही क्लासी दिखने वाला गोडॉक्स का ही एक पाउच, काफी प्रीमियम लग रहा है दिखने में। अभी ये सेटअप हो चुका है कंप्लीट, सो कुछ ऐसा लुक के साथ तुम व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा वियर्ड सा लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन अपन को तो अच्छी क्वालिटी का एकदम लाइट के साथ, अच्छे ऑडियो क्वालिटी के साथ वीडियो बनाना है ना, उसी में ही तो मतलब है। बहुत ही आराम से हो जाता है, मतलब तुम देख रहे हो ना एकदम लाइव हाथों में एकदम से पूरा एक सेटअप लेके मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, और कैसा आवाज आ रहा है, कितना अच्छा खासा लाइटिंग है। हाँ? अभी अगर इस सेटअप की प्राइसिंग की बात करूं, मतलब पूरा जो किट है उसका, मात्र 8,290 रुपए में तुम्हें ये वाला पूरा जो किट है वो मिल जाएगा। बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके परचेस कर सकते हो। अभी तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना ज्यादा, मतलब 8,000 क्या लग नहीं रहा क्या? ऐसा नहीं है, हाँ है, लेकिन मैं एक चीज बोल दूं कि अगर तुम ऐसे ऐसे सेपरेटली माइक खरीदोगे, उसके बाद ये जो लाइट है उसको खरीदोगे, उसके बाद ये इतने अच्छी क्वालिटी का, इतने अच्छे फीचर्स के साथ माउंट अटैच हो जाता है इसमें, सो ऐसे टाइप के अगर ट्राइपॉड लाइट माइक सेपरेटली तुम परचेस करोगे ना, तो फिर उससे भी ज्यादा जा सकता है तुम्हारा पैसा। सो मेरे ख्याल से ये वाला किट ही एक साथ में परचेस कर लो, एकदम कॉम्बो सही है। बाद में मेरे को थैंक्स जरूर बोलोगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वीडियो निकल रहा है अपने फोन से, उसके बाद ऑडियो भी है। सो यही था क्रिएटर्स लोगों के लिए एक बहुत ही यूजफुल सा वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताना। और तुम में से बहुत सारे लोग मेरे को हमेशा बोलते रहता हूँ कि कोई अच्छा खासा सेटअप वाला वीडियो दिखाओ, जिससे कि मतलब वीडियो बन जाए स्मार्टफोन से। Here it is. जरूर शेयर करना इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ जो कि अभी जस्ट व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, उनको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस में इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो भी स्वागत है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। सो गुड बाय।